आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि प्ले स्टोर के अंदर GTA 5 कब आ रहा है और कैसे आएगा, कितने मिशंस आएंगे। तो फ्रेंड्स, सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप GTA 5 लवर्स हो तो अभी के अभी इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि प्ले स्टोर के अंदर जितने भी GTA गेम्स हैं वो सारे पहले PC में आए थे, फिर वो प्ले स्टोर में लॉन्च किए गए। जैसा कि GTA San Andreas, GTA Vice City, Liberty City, Chinatown Wars, तो ये सारे PC गेम्स हैं, फिर इनको लॉन्च किया गया प्ले स्टोर के अंदर। तो आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा, जब सारे PC वाले गेम प्ले स्टोर के अंदर आ गए GTA के, तो GTA 4 और GTA 5 क्यों नहीं आया? तो फ्रेंड्स, उसका भी मैं बता देता हूँ। अभी GTA 4 पर दोस्तों काम चल रहा है, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमको देखने को मिलेगा GTA 5। तो सबसे पहले आएगा GTA 4, उसके बाद आएगा GTA 5, ठीक है? इस बात को दोस्तों माइंड में डाल लीजिए अपने। जब GTA 5 आएगा तो GTA 5 के फुल मिशंस हमको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा गेम है, PC के अंदर इतना बड़ा गेम डायरेक्ट लॉन्च नहीं किया जा सकेगा रॉकस्टार के द्वारा। तो आपको मैं बता दूं, जो GTA 5 है एंड्रॉयड में ओनली रॉकस्टार ही लॉन्च कर सकता है, क्योंकि कॉपीराइट जो है वो रॉकस्टार के पास है। जो लोग आपको दिखाते हैं गेम्स, तो वो सारे यूनिटी के होते हैं, जिनके अंदर मिशन नहीं होता, ना मैप होता है। तो फ्रेंड्स, किसी पर भी विश्वास मत करना। आपको बस मैं एक बात बोल रहा हूँ कि GTA 5 और GTA 4 ओनली रॉकस्टार ही लॉन्च कर सकता है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, ठीक है? और ये लॉन्च किया जाएगा प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है? क्योंकि दोस्तों प्ले स्टोर बहुत ज़्यादा सेफ है, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख लेना, थर्ड पार्टी और प्ले स्टोर की। तो अब मैं बता दूँ, जो GTA 5 होगा तो उसके जो मिशंस होंगे, 3 मिशंस लॉन्च किए जाएंगे प्ले स्टोर पर, जो कि 2 GB तक के होंगे। उसके बाद जब इसकी अपग्रेडेशन आती रहेगी तो मिशंस भी अपग्रेड होते रहेंगे। तो इसके ज़रिए पहले सब लोग डाउनलोड कर सकेंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर GTA 5। उसके बाद जब अपग्रेड आते रहेंगी तो दोस्तों वो आपके फ़ोन के हिसाब से हैं। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं कर सकते, वो आपके फ़ोन के ऊपर ये दोस्तों होगा। हालांकि रॉकस्टार इसका लाइट वर्जन भी निकाल सकते हैं, बट जिसके ग्राफिक्स अच्छे नहीं होंगे, जैसे कि पबजी गेम है और बड़े बड़े गेम है तो सभी के लाइट वर्जन होते हैं, तो इसका भी लाइट वर्जन हो सकता है रॉकस्टार के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आर यूजर ने जो गेम बनाया है GTA 5 का, तो उसमें भी फर्स्ट मिशन है। अब आर यूजर भी ये कह चुका है कि वो भी ये गेम नहीं बना सकता, फैन मेड तक उसने लिख दिया गेम के अंदर, अगर आपने गेम खेला होगा तो। तो इसका कॉपीराइट ओनली रॉकस्टार के पास ही है, ओनली रॉकस्टार ये बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। और सबसे पहले GTA 4 आएगा, नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा लॉन्च, उसके बाद ही हमको GTA 5 देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जितने भी मेरी सोर्सेस थी उतना मैंने आपको बता दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए GTA लवर्स। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।